मुंबई में कांग्रेस के पितामह कहे जाने वाले वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा का आज तड़के निधन हो गया। राज्यसभा सांसद मुरली देवड़ा लंबे वक्त से कैंसर से पीड़ित थे। आज शाम 4 बजे मुरली देवड़ा का मुंबई में अंतिम संस्कार किया जाएगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुरली देवड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहे। तड़के 3:25 पर उन्होंने मुंबई में अपने निवास में आखिरी सांस ली। 77 साल के मुरली देवड़ा करीब 5 दशक तक केंद्रीय राजनीति में सक्रिय रहे। मुरली देवड़ा अभी भी कांग्रेस के राज्यसभा सांसद थे। गांधी परिवार के करीबी माने जाने वाले मुरली देवड़ा का निधन पार्टी के लिए बड़ी क्षति है। मुरली देवड़ा ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत 1968 में की थी, जब वो मुंबई में पार्षद चुने गए। 1977 में शिवसेना की मदद से मुरली देवड़ा मुंबई के मेयर चुने गए। हालांकि 1980 में वो दक्षिण मुंबई से लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन इसी सीट पर 1984 और 1989 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जीत हासिल की। 2004 में मुरली देवड़ा को कांग्रेस ने राज्यसभा से सांसद बनाया। 2006 में मुरली देवड़ा को यूपीए वन सरकार में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया। 2011 तक मुरली देवड़ा केंद्र में कॉरपोरेट मामलों के मंत्री थे। बताया जा रहा है कि मुरली देवड़ा पिछले काफी दिनों से कैंसर से पीड़ित थे। आज शाम 4 बजे मुरली देवड़ा का मुंबई में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। अपने लंबे राजनीतिक अनुभव की वजह से मुरली देवड़ा को मुंबई कांग्रेस का भीष्म पितामह कहा जाता था, और यकीनन कांग्रेस के लिए मुरली देवड़ा की भरपाई करना मुश्किल होगा। आज तक ब्यूरो।